नदी में जाना है ना। सीधा होगी सीधा होगी ओके। पता नहीं क्या समझाया मेरे को, मेरे को भी समझ में नहीं आया। निकला हूँ गोकर्ण के लिए, और गोकर्ण यहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर के आसपास है, सॉरी 70 किलोमीटर के आसपास है। अभी हाईवे से मुझे लेफ़्ट लेना है, हाईवे लग चुका है, राइट जाने से ये चले जाता है उड़पी और लेफ्ट जाऊँगा तो गोकर्ण। सो लेट्स गो, कीप सेफ डिस्टेंस। तो ये महिंद्रा की कुछ 20-25-30 साल पुरानी गाड़ी होगी, आई डोंट नो नाम क्या है इस गाड़ी का, K30 मैक्सी कार बोलते इसको, मैक्सी कार। ओ रुक रही है, मैं निकलता हूँ। सही है यार, अभी भी चल रही है वो, इससे बड़ी बात क्या है। हैट्स ऑफ महिंद्रा। अभी भी गोकर्ण मुझे दिखा रहा है, गोकर्ण यहाँ से अबाउट 22 किलोमीटर, 36 मिनट लगेंगे। प्यास लगी थी तो बोला पानी पी लेते। जिंदगी ने गम दिए रम दिए, तो वो करना है 9 किलोमीटर यहाँ से। काम से लेना बहुत, शादी में जाना है ना। तिथं कसं जायचं, हा चकर इकडेच गाडी लावायचं का, बीच बीच बॅक बीच सीधा होईल आणि सीधा होईल ओके। पता नाही क्या समजाय मेरे को, मेरे को भी समझ में नहीं आया। दादा हिंदी आती है क्या? यार रूवी किधर है, रूवी बीच रिसॉर्ट, बीच रिसॉर्ट नहीं, बीच होम स्टे रूवी, ये वाला घर किधर है? वधू वाला, वधू रे मेरे भाई रे, वधू वाला है विघ्नेश्वर सारंग। हां वधू रे, हां विघ्नेश्वर सारंग उधर ही है, तो क्रॉस है ना। हां उधर ही, वो मैं उसको बोला तो वो मेरे को बोलता कि वो आगे जाओ करके। हाँ मैं उसका नाम नहीं बोला, मैं उसको वो बोला जो टर्न है, टर्न पे लेफ्ट पे है ना, वो ये गुजरी रिक्शा है ना, हाँ 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 टर्न पे, हाँ हाँ वो जो काम चल रहा है वो सीमेंट रोड दिखता है ना, हाँ उधर ही स्टॉप कर दो। ओके हाँ। सो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूँ मेरे होम स्टे पे, यानी गोकर्ण से अराउंड 3-4 किलोमीटर के आसपास है, और ये मेरा पीछे होम स्टे लाइट तो बन चालू हो रहे, नया बना है एकदम कोरा कोरा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खास क्यों है, सस्ता है और ख़ास भी है, क्योंकि ये मेरा होम स्टे और यहाँ से हम अगर जाते हैं सो दिस इज कूल, कूल बोले तो एकदम कूल। ये
जबरदस्त। सो चलिए सुबह और अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे अभी जाना है सनसेट पॉइंट पे, तो निकलता हूँ, फिर खाना वाना भी लेके आना है क्योंकि यहाँ पे खाना मिलता नहीं है। और ये मैंने लॉक लगाना ही भूल गया, पहले लॉक लगा लेता हूँ। टाइम पे बट सन पहले से सेट हो चुका था, तो नो वरीज। अन्ना कौन सा मंदिर है ये? अन्ना कौन सा मंदिर है? राम मंदिर। राम मंदिर है क्या? ओके। और ये पानी ऊपर से आता है क्या अंदर? सो फ्रेंड्स ये ऊपर से पानी आता है यहाँ, वहाँ ऊपर से, और नहाते भी है और पानी भी भरते हैं लोग। देखते हैं अगर कल सुबह जमा तो हम भी आएंगे। ऊपर है राम मंदिर। लोकेशन है गोकर्णा क्लिफ, वो है गोकर्णा बीच, और यहाँ से वहाँ इसे घूम के बस 500 मीटर भी नहीं है, ये उससे भी कम है। अमेजिंग साउंड यार, ये साउंड के लिए तो जान है सबकी। चलो चलते हैं बीच पे। चलते हैं अभी गोकर्णा बीच, थोड़ा वहाँ एंजॉय करते हो, फिर सुबह अपने को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुबह हम हमारे बीच पर टाइम पास करेंगे, प्राइवेट बीच है हमारा, मेरा वहाँ पे प्राइवेट बीच है, प्राइवेट वहाँ एंजॉय करेंगे एंड देन वी विल गो टू। देखते हैं सुबह का प्लान, सुबह या तो फिर याना के उस, या तो फिर मैं वहां था गोकर्णा सनसेट क्लिफ, राम मंदिर वहां पे। पे आते हैं ना तो अलग ही लगता है। मैंने दो एक लड़का और एक लड़की को बैठ के ऐसे सिर्फ घुटनों पे ऐसे सर रख के सनसेट को सिर्फ देख रहे थे, अलग ही लग रहा है। सिर्फ देखते रहो देखते रहो देखते रहो और सोचते रहो, अलग ही मजा है। तो कुछ खाना वाना लेके चलता हूँ मैं होम स्टे पे और रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल का दिन हेक्टिक रहेगा और शाम को वापस घर भी जाना है।
सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करने का समय आ चुका है। सो मिलता हूँ कल सुबह नए वीडियो के साथ। सो अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर योर सपोर्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।